नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि IUCL, रेलवे, इसरो, DRDO, DMRC, सेल, भेल इन सब में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कहीं कहीं पर डीजल मैकेनिक का भी आ गया है, तो आप लोग उसे जो कि इसमें है आपके सिलेबस में वही रहेगा आपका। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होता है? ऑप्शन है, घाव पर पानी डालना, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, घाव को रगड़िए। तो देखिए, अगर सांप काट ले रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वो जो काटता है तो उसमें वो विष छोड़ देता है, तो विष अगर शरीर में रहेगा तो क्या होगा कि पूरे शरीर में फैल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर वो सांप काटा रहता है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे घाव रहता है वहाँ पे हमें काट, यानी जहाँ पे सांप काटता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लेड से काट देना चाहिए ताकि जो विष वाला खून रहे वो बाहर निकल जाए। और इसके बाद वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसे जगह पे हमें कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि ऊपर की तरफ, जहाँ पे जैसे कि पैर में काटा है तो हमें क्या करना चाहिए कि घुटने तक हमें क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए ताकि क्या हो कि विष ऊपर ना फैले। तो यहाँ पे सबसे आंसर, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छैनी का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? तो ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। देखिए, RRB कोलकाता ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जो एल्युमिनियम चिपिंग के लिए जो फ्लैट चीजल रहता है उसका जो पॉइंट ग्राइंडर होता है वह जो रहता है वो रहता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये विजाग स्टील में फिटर का आया हुआ क्वेश्चन है कि वेल्डिंग टार्च के किस भाग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसें मिलती हैं? ऑप्शन है, टिप में, मिक्सिंग चैम्बर में, हैंडल में, रेगुलेटर में। तो देखिए, वेल्डिंग टार्च के जिस भाग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलती हैं वह रहता है मिक्सिंग चैम्बर में। क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसें आपस में मिलती हैं मिक्सिंग चैम्बर में। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, हमारा सेल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में। तो देखिए, लौह की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या है? कोक, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, एल्युमिनियम। तो चौथे का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो लौह की धात्विकी में प्रमुख अपचायक होता है वह हमारा कोक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, कोक। पांचवे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि फॉलोवर स्टडी को कहाँ पर फिट किया जाता है? ऑप्शन है, लेथ कैरेज पर, टेल स्टॉक पर, हेड स्टॉक पर, लेथ बेड पर। तो देखिए, जो फॉलोवर स्टडी रहता है इसे हम लोग लेथ के कैरेज पर फिट करते हैं, लेथ के कैरेज पर हम लोग फॉलोवर स्टडी को फिट करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो फॉलोवर स्टडी होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छठा क्वेश्चन है कि घर्षण करके पावर ट्रांसमिट करने की विधि का निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण नहीं? ऑप्शन है, बेल्ट ड्राइव, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, गियर ड्राइव। तो देखिए, घर्षण करके पावर ट्रांसमिट करने की विधि जो नहीं है वह हमारा रहता है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं कि घर्षण द्वारा पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है आपका, घर्षण होता है, बॉल बियरिंग में भी घर्षण होता है, रोलर बियरिंग में, लेकिन गियर ड्राइव में घर्षण के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने का उदाहरण यह नहीं है, क्योंकि गियर जो रहते हैं इनके दांतों के द्वारा क्या होता है कि पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसमें अगर घर्षण ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेल्ट ड्राइव में घर्षण होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, इसमें स्लिप होगा तो ये इसमें पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो जाएगा। बॉल बियरिंग में भी अगर घर्षण नहीं रहेगा तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा ढंग से, और रोलर बियरिंग में भी वही हाल है। ये RRB इलाहाबाद ALP में आया हुआ क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन है कि जो ये फिगर दिख रहा है साइन, यह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, मशीन फिनिशिंग को, ग्राइंडिंग फिनिशिंग को, फोर्जिंग को, होनिंग एवं लैपिंग को। यह DRDO मशीनिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, मशीनिस्ट के लिए। तो देखिए, जो ये फिगर है मतलब साइन है, यह हमारा फोर्जिंग का साइन है। यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्जिंग का साइन है ये। आठवां क्वेश्चन है जो कि हमारा DRDO मशीनिस्ट और UP Arvinal टेक्नीशियन Grade 2 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है कि द ड्रिल इज हेल्ड एंड रोटेटेड बाय, ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा जाता है और घुमाया जाता है? ऑप्शन है, बॉडी, सैंक, नेक और टैंक। तो देखिए, ड्रिल को जिसके द्वारा हम लोग पकड़ते हैं और घुमाते हैं
वह हमारा क्या रहता है, सैंक। सैंक के द्वारा हम लोग ड्रिल को पकड़ते भी हैं और घुमाते भी हैं। नवा क्वेश्चन है जो कि MES फिटर ट्रेड्समैन में आया, वो क्वेश्चन है कि कंपाउंड आयल का प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में किया जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, इसका फायर पॉइंट कम होता है, इसका फ्लैश पॉइंट अधिक होता है, इसके बहने का गुण अच्छा होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए कि कंपाउंड आयल का प्रयोग करने का प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बहने का गुण काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बहने का गुण काफ़ी अच्छा होता है। दसवां क्वेश्चन है एल्युमिनियम पिस्टन के एलाय में कौन सी मिश्रित धातु होती है? ऑप्शन एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, उपयुक्त सभी। देखिए अगर एल्युमिनियम पिस्टन के एलाय में जो मिश्रित धातु रहती है वह हमारा एल्युमिनियम भी रहता है, कॉपर भी रहता है और टिन भी रहता है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे एल्युमिनियम पिस्टन के एलाय के मिश्रित धातु हैं। दस नंबर क्वेश्चन है कि अपकेंद्री पंप सेट में पंप सेट के चूसक सक्शन साइड में रहे उचित वायु को किसके द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन है, प्रीमिंग द्वारा, फुट वाल्व द्वारा, पानी भरने सी है, हाथ से ओवर आवेजक द्वारा घूर्णन, पंप सेट को पानी में डुबोना। तो देखिए अपकेंद्री पंप सेट में पंप सेट के चूसक साइड में रहे उचित वायु किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं? ये निकालते हैं प्रीमिंग के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, प्रीमिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ड्रिल स्थान बनाने के लिए, मशीन धुरी पर चक स्थित करने के लिए। देखिए जो ड्रिफ्ट प्रयोग करते हैं हम लोग, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि मशीन की धुरी से ड्रिल हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे UP आर्मिनल TG22 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 13 नंबर का क्वेश्चन है जो कि LP में आया था कि वर्ग बी में किससे लगी आग आती है? ऑप्शन है, गैस, विद्युत, तरल पदार्थ, लकड़ी व कागज आदि। तो देखिए जो वर्ग बी के अंतर्गत आता है वह हमारा तरल पदार्थ आते हैं, कि वर्ग बी के अंतर्गत जो लगी हुई आग आती है वह तरल पदार्थों से लगी हुई आग की आती है। ठोसों का जो रहता है जैसे लकड़ी व कागज, यह क्लास सी के अंतर्गत आता है। तरल पदार्थ हमारा बी के अंतर्गत आता है। गैस जो होता है यह हमारा सी के अंतर्गत आता है। और जो विद्युत होता है यह हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो ठोस में पहला आता है, यानी कि ठोस जो रहता है वह क्लास सी के अंतर्गत। द्रव होता है यानी कि तरल पदार्थ, यह हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। जो गैस होता है यह हमारा क्लास सी। क्लास डी में जो हम होता है हमारा यह विद्युत होता है। तो यहाँ पे हमारा बिग पूछा था, तरल पदार्थ होगा यहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चीजल किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन है, कटिंग टूल, होल्डिंग टूल, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल। तो आपको पता हो कि जो चीजल होता है ये हमारा कटिंग टूल होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कटिंग टूल। ये हमारे UP SSC ट्रेसर में आए हुए टेक्निकल क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है, पीतल एवं कास्ट, स्टील, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम, पिटवा लोहा, कठोर सतह बनाने में। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फिल्म का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं कठोर सतह बनाने के लिए। हम लोग कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग करते हैं कठोरीकरण में, हम लोग कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या होता है? तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज होता है यह होता है 2400 से 2000 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोच पर टेपर होती हैं क्यों? कौन सी टेपर होती है? लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है उसके स्पिंडल नोच पर कौन सी टेपर होती है? आपने जर्नो टेपर, ब्राउन एवं शार्प टेपर, पिन टेपर, मॉर्स टेपर। तो लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल पर जो नोज होती है उसकी जो टेपर रहती है वह हमारा मॉर्स टेपर होता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मॉर्स टेपर। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है किसके द्वारा? अगर दो शाफ्ट को एक सीध में जोड़ना है तो हम उसे कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं। बेयरिंग द्वारा हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, स्लिपिंग वाला है, तो इससे हम नहीं जोड़ सकते हैं। ब्रैकेट द्वारा भी नहीं और पुल्ली द्वारा भी नहीं कर सकते। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है, वर्म थ्रेड, बटरेस थ्रेड और है एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड।
तो देखिए ये जो रहता है कि लेथ मशीन में एक्मी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है और इसका जो एंगल होता है ये हमारा 29 डिग्री होता है, आपको भी पता होगा 29 डिग्री एक्मी थ्रेड का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन के किसके चारों ओर घूमती है, ऑप्शन आधार, रेडियल आर्म, टेबल, पिलर। ये विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन है फिटर का। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होता है यह क्या होता है कि पिलर के चारों ओर घूमता है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है यह पिलर के चारों तरफ घूमता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट के में विस्कोसिटी का अर्थ तेल का गाढ़ापन होता है, इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, अक्षरों द्वारा, ग्रेड द्वारा, नंबरों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ये हमारा IOF फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी का अर्थ तेल का गाढ़ापन होता है, इसे हम लोग जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं वह हमारा रहता है नंबरों द्वारा। हम लोग लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी का अर्थ का तेल का गाढ़ापन होता है, इसे हम लोग नंबरों द्वारा व्यक्त करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन है, आईसी इंजन का संपर्क सलाका क्या है। देखिए जो आईसी इंजन का कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन है जो क्या होता है, ये होता है आई या एच आकार का होता है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मोटर मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है इसरो टेक्नीशियन का। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऑप्शन है रिवर्स गियर लगाते समय, पार्किंग के समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। ये हमारा DRDO मैकेनिक डीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का जो प्रयोग होता है ये हमारा किस में होता है, मोड़ लेते समय ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। NTPC फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 24 नंबर का क्वेश्चन, फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज द मोस्ट सुटेबल वाटर टर्बाइन इज, निम्न शीर्ष एवं उच्च निश्रण यानी कि विसरण जो होता है होने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त जल टर्बाइन कौन सी है, आपने पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कैपलान टर्बाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए जो सबसे सुटेबल वाटर टर्बाइन होता है वह होता है कैपलान टर्बाइन। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैपलान टर्बाइन या कपलान टर्बाइन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10^-6 मीटर के होता है, लेकिन इसमें MM दिया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10^-3 mm, 10^-3 mm कितना होगा, तो 10^-3 माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 25 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इसरो टेक्नीशियन मोटर मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन कोन क्लच इज यूज्ड इन, जो घर्षण कोन क्लच होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ऑप्शन है कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स में, सिंक्रोमेस में, इनलाइन स्लाइडिंग गियर बॉक्स में, नन ऑफ द अबव। तो जो फ्रैक्शन कोन क्लच होता है इसका प्रयोग हम लोग सिंक्रोमेस में करते हैं, यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंक्रोमेस। 27 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन है संट जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग के लिए जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है यह हम लोग प्राप्त करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है यूरेनी नाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ, यूरेनी नाइट किसका एक अयस्क या खनिज है, ऑप्शन है जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है यूरेनी नाइट है तो ये हमारे यूरेनियम का अयस्क या खनिज है, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है जो कि DRDO टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है, DRDO टर्नर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मल्टीपल टूलिंग लेआउट इज पॉसिबल इन, मल्टीपल टूलिंग लेआउट किस में संभव होता है, ऑप्शन है कैपेसिटल लेथ में, प्लानो मिलर में, प्लानर में, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो मल्टीपल टूलिंग लेआउट होता है ये हमारा पॉसिबल होता है कैपेसिटल लेथ में भी, प्लानो मिलर में भी और प्लानर में भी होता है, यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 30 नंबर का क्वेश्चन है गियर के पिच सर्कल के ऊपर दांते की ऊंचाई गियर का कौन सा भाग होता है, देखिए ऑप्शन है मॉड्यूल, अटेंडम, डिडेंडम, कार्डियल, पिच। तो देखिए गियर के पिच सर्किल के ऊपर दांतों की जो ऊंचाई होती है गियर का क्या कहलाता है,
अडेंडम कहलाता है, और जो पिस सर्किल के नीचे दांते की जो ऊंचाई रहती है मतलब गहराई रहती है वह हमारा डिडेंडम कहलाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो रहता है, जैसे कि ये पिस सर्किल है और यहाँ पे ये जो दांता रहता है ऐसे करके ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला भाग रहता है हमारा अडेंडम कहलाता है, और ये जो नीचे वाला भाग रहता है ये हमारा डिडेंडम कहलाता है। तो ये हमारा अडेंडम कहलाएगा, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग डिडेंडम कहलाता है। ये हमारा कोल इंडिया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो लेथ मशीन में लगा रहता है वो हमारा एक्मी थ्रेड रहता है, और इसका जो एंगल होता है हमारा 29 डिग्री होता है। ये आईओया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहाँ पर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन लकड़ी के सुराखों के लिए, पतली चादरों में सुराख के लिए, सभी कार्यों के लिए। तो जो स्ट्रेट फ्लूटेड रहता है ये, इसका प्रयोग हम लोग पतली चादरों में सुराख करने के लिए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो 32 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है। ऑप्शन है इनर रेस, आउटर रेस, केज, गोलिया। ये हमारा RRB सिकंदराबाद ALP में है वो क्वेश्चन था। तो बॉल बियरिंग का जो भाग स्थिर रहता है ये हमारा कौन सा रहता है, आउटर रेस। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आउटर रेस। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इग्निशन प्रणाली में बैटरी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है कंडेंसर चार्ज करना, लो टेंशन करंट देना, CV पॉइंट को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो इग्निशन प्रणाली में बैटरी का जो कार्य होता है वह होता है कि लो टेंशन करंट देना। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, लो टेंशन करंट देना। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एयर कूलर इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरीय धातु की संरचना क्या कहलाता है। ऑप्शन है वेब्स, प्लेटें, फिन्स, सिम्स। तो एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरीय धातु की जो संरचना होती है ये हमारा कहलाता है, फिन्स कहलाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।